साथ वैशाली और मैं हूं आपके साथ अंकित। और आज हम बात करने वाले हैं जाह्नवी कपूर की अपकमिंग फिल्म मिस्टर एंड मिसेस माही की, जिसमें जो है जाह्नवी कपूर अलग ही अवतार में नजर आ रही है। तो ओवर टू यू वैशाली जी। ओवर टू मी। तो मैं आपको बता दूं, हमारे व्यूअर्स को बता दूं कि मिस्टर एंड मिसेस माही से जुड़ी कुछ पोस्ट जाह्नवी कपूर ने अपने इंस्टाग्राम पे शेयर की है, जिसमें वो भारतीय क्रिकेटर दिनेश कार्तिक के साथ क्रिकेट कैंप में ट्रेनिंग लेती हुई नजर आ रही है। और ये फोटोज में दिख सकता है कि कितनी मेहनत कर रही है जाह्नवी कपूर। और कहीं ना कहीं वैशाली जी, ऐसा भी हो सकता है कि जो वुमेन क्रिकेटर के तौर पर वो हमें दिखाई दे रही है, कहीं ना कहीं वुमेन जो हमारी क्रिकेटर जो ऑल ओवर द इंडिया खेला जाता है, वर्ल्ड खेला जाता है, कहीं ना कहीं उसको भी ये चीज कर रही है कि रिप्रेजेंट कर रही है जाह्नवी कपूर। जी बिल्कुल। और जाह्नवी कपूर इससे पहले गुंजन सक्सेना जैसी बायोपिक में भी काम कर चुकी हैं, जिसमें उन्होंने पहली वुमेन फाइटर प्लेन राइडर के तौर पर भूमिका निभाई थी। तो अब फैंस भी काफी एक्साइटेड हैं कि आखिरकार वो बल्लेबाज के किरदार में कैसे खुद को ढाल पाती हैं और किस तरह से वो स्क्रीन पर लेकर आती हैं। पर कहीं ना कहीं पिछले साल इसका अनाउंस भी किया गया था इस फिल्म से, धर्मा हाँ। जो करण जौहर का धर्मा प्रोडक्शन है, वहां से अनाउंस किया गया था और पोस्टर भी रिलीज हुआ था। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे वैशाली? ये धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले बन रही फिल्म है। इसे लास्ट ईयर करण जौहर ने ही अनाउंस किया था। और करण जौहर अब अपनी जो मसालेदार फिल्में नहीं होती उनकी रोमांटिक्स और कॉमेडी से हटकर वो इस तरह की चीजों में आ रहे हैं। वो एक्शन फिल्म में भी अब इन्वेस्ट करने वाले हैं और जल्दी उनकी एक्शन फिल्म भी नजर आएगी। और कहीं ना कहीं मोटिवेशनल फिल्म भी हो सकती है, क्योंकि काफी ज्यादा जो मतलब वुमेन एम्पावरमेंट की बात की जाए तो काफी प्रेरित होंगी लड़कियां इस मूवी को देख के। और कहीं ना कहीं शरण शर्मा द्वारा डायरेक्टेड होने वाली है फिल्म और इसमें राजकुमार राव भी दिखने वाले हैं। बात की जाए तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो काफी ज्यादा एक्साइटिंग होने वाली है, क्योंकि हम भी जाह्नवी कपूर को एक नए बल्लेबाज के अवतार में देख पाएंगे। जी बिल्कुल। आपको बता दें शरण शर्मा वही डायरेक्टर हैं जिन्होंने जाह्नवी कपूर की फिल्म गुंजन सक्सेना का भी डायरेक्शन किया था। और अब एक बार फिर से ये दोनों ही एक्टर और डायरेक्टर की जोड़ी नजर आने वाली है। तो देखने वाली बात होगी कि ये फिल्म 7 अक्टूबर 2022 को जब सिनेमा घरों में रिलीज होगी तो क्या फैंस को इतनी ही पसंद आ पाती है या फिर नहीं। जी ये तो देखने वाली बात ही होगी, बट आपको ये जानकारी कैसे लगे हमें जरूर बताएं। और हमारा चैनल इंडिया न्यूज़ एंटरटेनमेंट सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि एंटरटेनमेंट जगत की जितनी भी सारी बड़ी बड़ी खबरें हैं, छोटी मोटी खबरें हैं, गॉसिप, सब यहीं पे आती हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। देखते रहिए इंडिया न्यूज़ एंटरटेनमेंट।